hello hello students good morning everyone to the third class students with the subject social studies this is sumitra ma'am here from universal public school aurad shahadani and today we are going to discuss our remaining chapter agriculture in india okay as you know और चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज गोइंग ऑन सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर फोर्टीन है एग्रीकल्चर इन इंडिया मतलब भारतीय कृषि जो हम पढ़ रहे थे देख रहे थे वह कुछ आधा सा रह गया है हाफ एंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड सी अहेड तो चलिए अब देखते हैं आगे चैप्टर में क्या क्या है सो इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स जैसे कि है ना हमने इस चैप्टर में पिछले पार्ट में रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में देख लिया है क्रॉप्स एंड सीजन्स देखे समाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट पीरियड इन दैट सीरी वीट पल्सेस दीज ऑल थिंग्स वी स्टडीड ओके तो अब तक हमने इस एग्रीकल्चर में कृषि भारतीय कृषि में भारतीय खेती में हमने क्या क्या देखा तो भारत में जितने भी मेजर क्रॉप्स के एरियाज हैं उन एरियाज को भी हमने देखा है अपने मैप के जरिए एंड उसके बाद भारत में किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुकी है हो गई है कौन से सालों में कुछ क्रॉप्स देखे जो फूड ग्रेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स है क्रॉप्स में कितने प्रकार के क्रॉप्स देखे हमने दो प्रकार के एक प्रकार था खरीफ क्रॉप्स दूसरा था रबी क्रॉप्स तो खरीफ में आते हैं राइस मिलेट जूट मेज कॉटन एंड तो रबी में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं वो है ग्राम वीट बार्ली एंड ऑल सिव्स दीज ऑल थिंग्स वी द लास्ट पीरियड ओके सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी सॉ और वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जैसे कि सीरल्स देखे वीट राइस देखे वीट देखे उसमें आफ्टर दैट पल्सेस भी हमने देख लिया तो पल्सेस होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच दिस मैप ऑफ इंडियन मेजर क्रॉप्स एरियास भारत देश में जो अधिकाधिक क्रॉप्स का उत्पादन कौन कौन से एरिया में लिया जाता है यह हम इस नक्शे से जान ले सकते हैं बच्चों देखो इससे भी अच्छा आप अपने पुस्त। बुक में देख सकते हैं किताब में देख सकते हैं और उनके जरिए आपको समझ में आएगा कि कौन सा कलर वाला कौन सा प्रोडक्शन है एंड वह किस एरिया में उत्पादित हुआ है लेट्स गो अहेड चलिए आगे चलते हैं दिस इज़ द टी प्रोडक्शन ओके ये चाय के पत्तियों का खेती है जिससे हम टी का उत्पादन अधिक अधिक प्रमाण में भारत में कर सके हैं अर्थात ये पूरे विश्व में अपना जो भारत देश है वह टी के प्रोडक्शन में सबसे पहला नंबर पे है अव्वल है अग्रेसर है एंड नाउ दिस इज द इमेज ऑफ शुगर केन है ना यह जो पिक्चर क्रॉप देख रहे हो आप कौन सा है शुगर केन है तो यह जो लेडी है यहाँ पर इस शुगर को काट रहे हैं तो इस प्रकार से शुगर को काट करके ढेर डाला जाता है एंड वह फिर से उसे फैक्ट्री में दिया जाता है जो लोगों के द्वारा काट कर फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए दिया जाता है एनओ उसी से हम शुगर पा सकते हैं दिस इज द मेजर क्रॉप्स फ्रॉम इंडिया तो अपने भारत देश में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला यह कैश क्रॉप है मतलब नगद पैसे देने वाला नगद नगद रुपए कमाने का भी यह एक माध्यम है जो हम शुगर कैन के जरिए अपने खेत में पा सकते हैं ओके okay. तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं कैश क्रॉप मीन्स नगद फसलें मतलब जिन फसलों के द्वारा हम रुपये कमा सकते हैं मार्केट में एक्सपोर्ट करके उन्हें निर्यात करके मार्केट में बेच कर, उनसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं रुपए मिला सकते हैं कमा सकते हैं उन फसलों को हम क्या कहते हैं कैश क्रॉप्स कहते हैं इन मराठी में हम उसे नगदी पीके ऐसा कहते हैं बच्चों समझ लो ओके okay? तो चलिए देखते हैं क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स सी डेफिनेशन ऑफ कैश क्रॉप यहाँ पे जो डी है वह कैश क्रॉप की डेफिनेशन दी है मतलब नगद फसलें किसे कहते हैं लेट मी रिपीट वंस अगेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट जो क्रॉप्स मार्केट में सेल करने के लिए ग्रोन किए जाते हैं बढ़ाए जाते हैं उनको कैश क्रॉप कहते हैं मतलब मार्केट में हम ये जो क्रॉप्स है वह सेल करके बिक कर उनसे पैसा रुपया प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कैश क्रॉप कहते हैं तो कौन कौन से है यह कैश क्रॉप सीधे एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप ना एंड जूट आर क्रॉप्स। क्रॉप मी रिपीट शुगर केन स्पाइसेस कॉफी टी ऑयल सीड्स रबर कॉटन एंड जूट These are the cash crops. Examples, okay? तो देख लिया हमने अभी की कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कैश क्रॉप में आते हैं जिनसे हमें नगद रुपए मिल सकते हैं शुगर so केन चलो सबसे पहले जान लेते हैं शुगर केन के बारे में शुगर केन किसे कहते हैं बच्चों शुगर केन का अर्थ है गन्ना जैसे की हमने अभी देखा सबसे पहले पिक्चर में दिस इज दुगर केन है ना सो शुगर कैन इज अ कैश क्रॉप विच इज ग्रोन इन नियरली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया शुगर कैन यह एक ऐसा कैश क्रॉप है जो कि नियर अबाउट भारत के सभी स्टेट्स में सभी राज्यों में ग्रो किया जाता है मतलब भारत के सभी राज्यों में अर्थात समझ लो कि पूरे भारत देश में हम ये शुगर कैन ग्रॉ करते हैं सॉरी uh, सौ करते हैं ग्रो करते हैं लगाते हैं है ना मतलब शुगर केन की जो खेती है गन्ने की जो खेती है वह आखिर पूरे भारत देश में की जाती है ऐसा समझो मॉडर्न मेथड्स आर यूज टू प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर फ्रॉम शुगर केन और ये शुगर केन बड़ा हो जाने के बाद उसे काट कर जब फैक्ट्रीज में दिया जाता है तो वहां पे उससे क्या बनाई जाती है शुगर बनाई जाती है तो ये शुगर बनाने के लिए जो वहाँ उस फैक्ट्रीज में अलग अलग मॉडर्न मेथड को यूज कर रहे हैं ओनर लोग कौन जो आधुनिक मेथड्स हैं पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों को फॉलो करने का काम कर रहे हैं कौन प्रोड्यूसर लोग क्या प्रोड्यूस करने के लिए फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर मतलब अच्छे दर्जे की अच्छे लेवल की एक क्रिस्टल शुगर जिसे हम कहते हैं बनाने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं कहां पर फैक्ट्रीज में किसके द्वारा शुगर केन से तो यह था शुगर केन नमक कैश क्रॉप जिससे हम नगद रुपए पा सकते हैं आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द कॉटन है ना चलिए अब हम देखते हैं कॉटन के बारे में कॉटन एंड जूट आर द बोथ इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स कॉटन एंड जूट यह जो क्रॉप्स है वह कॉटन मीन्स कपास है ना जूट मीन्स एक फाइबर वाला क्रॉप है है ना जिसके धागे रोप्स बनाए जाते हैं उससे उसे जूट कहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ये जो दोनों है वह बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर वाले तंतु में क्रॉप्स है जिसे हम कहते हैं तंतु में फसले जिसे हम कहते हैं जिसे धागे बनाकर हम कुछ भी बना सकते हैं जैसे कि कपड़ा हो कारपेट्स हो आदि चीजें द ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इल्स गुड कॉटन क्रॉप जैसे कि हम अगर कॉटन अगर हमें ग्रो करना है अच्छे से कपास को कपास का प्रोडक्शन ज़्यादा निकालना है तो उसके लिए कैसी सॉइल चाहिए ब्लैक सॉइल तो ऐसी अच्छी काली वाली मिट्टी कहाँ पर मिलती है हमें कौन से स्टेट में भारत में बच्चों तो वह है गुजरात एंड महाराष्ट्र में मतलब पूरे स्टेट में ओनली <coughs> सबसे अच्छे ये दो ही स्टेट है जहां पर काली मिट्टी है जो कि कॉटन के प्रोडक्ट के लिए शुगर के के जैसे कॉटन के प्रोडक्ट के लिए सॉरी बहुत महत्वपूर्ण है उपयुक्त रहती है वह जो मिट्टी है हमें ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते है गुजरात एंड महाराष्ट्र में तो वहीं से हम यह कॉटन का प्रोडक्ट अधिकाधिक प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में लेफ्ट पिक, इमेज में है एक आ, हाथ पे कॉटन का ढेल आपको दिख रहा है ठेला एंड उसके बाद राइट पिक्चर में है कॉटन से बने हुए यह क्लॉथ है ना तो इस प्रकार से हम कॉटन का यूज अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं इट इज अ वन टाइप ऑफ कैश क्रॉप कॉटन ऑल्सो नीड्स कॉटन नीड्स मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर टू ग्रो कॉटन अगर ग्रो करना है तो उस कॉटन के लिए कैसा रेनफॉल uh, चाहिए मॉडरेट मॉडरेट मीन्स मध्यम प्रकार की वर्षा होने की जरूरत कपास को ग्रो करने के लिए होती है एंड वार्म टेम्परेचर टू ग्रो मतलब टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए वार्म रहना चाहिए ना तो ज्यादा हार्ड हॉट रहना चाहिए ना ही बहुत कम बल्कि मीडियम वार्म ऐसा टेम्परेचर उसके लिए रहना चाहिए तभी वो अच्छी प्रकार से कॉटन ग्रो हो सकता है अपने खेतों में है ना तो कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन राजस्थान कॉटन हमेशा कहाँ पे निकाला गया है राजस्थान में भी निकाला गया है सबसे पहले ज्यादा तो गुजरात और महाराष्ट्र में दिया गया था देखो इसके बाद है राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब एंड तमिलनाडु मतलब गुजरात एंड महाराष्ट्र के पीछे पीछे कौन कौन से स्टेट में यह ग्रो किया जाता है तो वह है राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब एंड तमिलनाडु आदि स्टेट्स में यह कॉटन बाद में ग्रो किया जाता है कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर्स क्या कह रहे हैं कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर्स कॉटन को क्या कहा जाता है फाइबर्स का राजा तंतुमय धागो के फसलों का राजा जिसे हम कहते हैं वह है कॉटन जूट क्रॉप नीड्स एल्यूवियल सॉइल ओके तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैश क्रॉप जूट चलिए तो अब हम जान लेते हैं जूट के बारे में जो कि कैश क्रॉप है अपने देश में लिया जाता है यह जो जूट है जूट क्रॉप नीड्स एलुवियल सॉइल जूट क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन से प्रकार की मिट्टी चाहिए एलुवियल सॉइल हेवी रेनफॉल एंड हॉट एलुवियल सॉइल मतलब कछार मिट्टी जिसे हम कहते हैं हेवी रेनफॉल बहुत बारिश चाहिए इसे एंड गर्मी भी चाहिए हॉट भी चाहिए डैम्प क्लाइमेट हॉट डैम्प प्रकार का क्लाइमेट या हवामान जिसे हम कहते हैं वह चाहिए तभी तो यह जूट क्रॉप बढ़ सकते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड देखो लेट मी रिपीट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड इंडिया अपना जो भारत देश है वह जूट का प्रोडक्शन करने में जूट उत्पादन करने में सबसे बड़ा निर्माता है पूरे विश्व में है ना तो जूट प्रोडक्ट्स इंक्लूड गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट्स तो जूट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं जूट के द्वारा बनाए जाते हैं जो वह है गनी बैग्स रोप्स बनाए जाते हैं एंड कारपेट्स भी बनाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आप यह रोप देख रहे हो इस लेफ्ट पिक्चर में एंड्राइड इमेज right में है फाइबर जिसे हम जूट का फाइबर कहते हैं जूट का पहले ऐसे फाइबर का कलेक्शन किया जाता है उसे बंडल बना के रख देते हैं एंड आफ्टर दैट उससे हमें जो भी बनाना है वह चीजें हम बना सकते हैं दिस इज द रोप फ्रॉम जूट एंड दिस इज द फाइबर फाइबर की दूसरी भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम कारपेट जैसे चीजें बनाते हैं यहाँ पर नहीं दिखाई गई है बट कारपेट भी उससे बन जाता है See now, it is also called the golden golden तो golden fiber golden fiber fiber and रूप से भी इस जूट को जाना जाता है मतलब ये गोल्डन कलर में दिखता है इसीलिए गोल्डन फाइबर इसे कहते हैं तो अब तक हमने देख लिया कॉटन एंड जूट के बारे में सबसे पहले वाला कैश क्रॉप था शुगर के शुगर कैन के बारे में देखा उसके बाद देखा हमने कॉटन जूट के बारे में तो कॉटन को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए तो ब्लैक सॉइल चाहिए एंड जूट को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए तो वह एलुवेल सॉइल चाहिए कॉटन को किस प्रकार का रेनफॉल चाहिए तो मॉडरेट जूट को हेवी रेनफॉल चाहिए कॉटन कहाँ पर अधिक से अधिक प्रोडक्ट किया जाता है कॉटन का तो वह गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट में उसके पीछे पीछे फिर राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब एंड तमिलनाडु में लिया जाता है कॉटन एंड तो आफ्टर दैट जूट जो है यह जूट से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है देखो वह है घनी बैग्स बैग्स बनते हैं रोप्स बनते हैं कारपेट्स बनते हैं एंड जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है तो कॉटन को किंग ऑफ द फाइबर के नाम से भी जाना जाता है कहा जाता है तो ये था आप तक का कॉटन एंड जूट का इंफॉर्मेशन दैट इज मोर इंटरेस्टिंग आफ्टर दैट वी विल स्पीशीज। तो चले अब हम जान लेते हैं स्पीशीज के बारे में तो देखते हैं स्पीशीज। स्पीशीज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पीशीज मतलब मसालों के पदार्थ जिसे हम कहते हैं तो लैंड फ्लोवर फ्लेवर टू आवर फूड फूड स्पेसिस का सबसे पहला कार्य क्या है कि वह अपने फूड को टेस्ट दिलवाते हैं अच्छे से कलर भी लाते हैं फिर एक प्रकार का फ्लेवर दिलवाते हैं अच्छा सा इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पेसिस सीन्स एन सियट टाइम्स भारत देश को तो उसके स्पेसिस के बारे में जाना जाता है मतलब भारत देश में बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारी स्पेसिस निकाली जाती है टाइम्स मतलब बहुत ही प्राचीन कालों से भारत में स्पेसिस का प्रोडक्शन हुआ करता है कार्डमम बेलीफ क्लोज पीपर जिंजर आर स्पाइसेस ये जो है पहले वाले पिक्चर में बेलीफ उसके बाद है क्लोज एंड थर्ड वाला है कार्डमम है ना ये पत्ते हैं बे के पत्ते मसाले के पत्ते उसके बाद है लौंग जिसे हम क्लोज कहते हैं एंड थर्ड वाला पिक्चर है कार्डमम का जिसे इलायची कहा जाता है है ना स्टूडेंट्स तो ये जो मसालेदार पदार्थ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है हमने तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं एंड इन सभी चीजों का समावेश कहाँ होता है तो इन स्पाइसेस में होता है तो चलिए अब हम अगला प्रोडक्ट देखते हैं वह है कॉफी एंड कोका इंडियन एग्रीकल्चर में कॉफी का भी प्रोडक्शन किया जाता है उसी के साथ साथ कोका भी निर्माण किया जाता है तो देखते हैं ये कॉफी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है आर बेवरेजेस दैट आर ग्रोन इन कर्नाटका कॉफी एंड को जो क्या है क्या ये कैश कैश क्रॉप वगैरह मतलब ये खाने की या कुछ जमा करके इसे सेल करने की चीजें सेल करने की चीजें तो है बट ये खाने की चीजें है क्या नहीं बट ये तो है पीने की चीज मतलब बेवरेजेस मतलब पेय जिसे हम कहते हैं बच्चों ये पेय है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है कौन कौन से स्टेट में यह पेय ग्रो होते हैं कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज टी यह जो है सबसे पॉपुलर बहुत ही लोकप्रिय पेय है जो कि चाय के नाम से जाने जाते हैं जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ना चाय कितने बार पीते हैं आप चाय बच्चों <laughs> करो दिन में। द नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका यह आसाम दार्जिलिंग नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन द कर्नाटका आदि स्टेट्स में अच्छी तरह से ग्रोन की जाती है क्या टी है ना तो यह जो है कॉफी का टी का प्रोडक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट पिक्चर में कॉफी दिखाई दे रही है राइट साइड में है हिली एरियाज़ पे टी का प्रोडक्शन होता है कॉफी का प्रोडक्शन आता है उसका आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं एंड गुड रेनफॉल इज नीडेड टू ग्रो टी बट द सॉइल शुड नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग अच्छा अच्छा सा रेनफॉल तो इसे चाहिए चाहिए बट द सॉइल शुड नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग कितना भी बारिश होने के बाद भी ये खेती ही होती है हिल एरिया में हिल एरिया में जहाँ पे टेकड़ी हिल दरी दरियों में जो खेती की जाती है तो वहां पे क्या तो बारिश रुक जाती है नहीं रुक जाती जैसे ही बारिश हो जाती है वह से पानी नीचे चला आता है बहके चला जाता है इसी कारणवश वहां पे पानी रहता नहीं है फिर भी उसे ज्यादा बारिश होने जरूरी है बट जहाँ पे हिली एरिया बच्चों तो आप समझ रहे होंगे कि अगर ये हिली में खेती की जाती है वहां पे गिरी हुई बारिश अगर उन हिलों पे नहीं रुकती है उस मिट्टी में नहीं रुकती है तो किस प्रकार से वैसे वहां पे टी ग्रो हो सकती है कॉफी का प्रोडक्शन होता है सवाल है सवाल है ना तो इस पर ये सोल्यूशन आता है कि हिली एरियाज में ऑलरेडी बारिश ही ज्यादा होती है बहुत ही बहुत बारिश रहती है मतलब पूरे इंडिया की तुलना में हिली एरियाज पर बारिश ज्यादा होती है अरूण ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पे पानी ना रुके तो भी जो भी पानी उन्हें मिलता है उतना काफी है, बहुत सारा होता है जो टी प्रोडक्शन के लिए कॉफी प्रोडक्शन के जरूरी होता है तो इसके जरिए वह अपना वाटर आ, सींच कर अपने क्रॉप्स को ग्रो अच्छी तरह से कर सकते हैं वहां पे अच्छा तरह सा प्रोडक्ट निर्माण भी हो सकता है तो यही एक उसका रीजन था कि उसे बारिश मिलती है तो हिल स्लोप्स लेट द वाटर ड्रेन अवे क्विकली तो हिल पर जो स्लोप्स रहते हैं है ना जो हिल का जो टेकड़ी पे उतार जिसे हम कहते हैं स्लोप्स वाली लेवल मिट्टी रहती है वह क्या करती है वाटर ड्रेन को छोड़ देती है क्विकली जल्दी ही नीचे छोड़ देते हैं इसी कारणवश पानी नहीं रुकता है फिर भी हमेशा बारिश होने की वजह से वहां पर यह क्रॉप चले आते हैं डोई नो you know पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड अपना भारत देश जो है टी के प्रोडक्शन में चाय के निर्माण में उत्पादन में सबसे पहला नंबर वर्ल्ड में अग्रेसर है केरला इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पेसीज केरला को स्पेसिज की लैंड के नाम से जाना जाता है मतलब मसालों की भूमि या मसालेदार पदार्थों की भूमि चीजों की भूमि ऐसा केरला को जाना जाता है सो दीज वेर स्पीसीस तो अब हम चलते हैं ऑयल सीड्स की ओर हम देखने वाले हैं ऑयल सीड्स को यह है ऑयल सीड्स लेफ्ट साइड में मस्टर्ड का ऑयल सीड है एंड राइट साइड में सभी प्रकार के ऑयल सीड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऑयल सीड्स ये क्या है कुकिंग ऑयल का मेन सोर्स है मतलब इन सीड्स से हम कुकिंग का ऑयल मिला सकते हैं क्रॉप्स ऑफ ग्राउंड नट मस्टर्ड सीड्स इन लीन सीड कस्टर कैस्टर सीड सॉरी एंड कॉटन सीड आर ग्रोन इन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये जो ग्राउंड नट के क्रॉप्स है मस्टर्ड सीड्स है लीन सीड्स है कैस्टर सीड है कॉटन सीड इन सभी चीजों से हम ऑयल सीड ऑयल मिला सकते हैं एंड ये कहाँ पर ग्रो होते हैं तो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में कर्नाटक में महाराष्ट्र में इन चार स्टेटों में राज्यों में यह ऑयल सीड हम ग्रो कर सकते हैं अधिक मात्रा में ध्यान रखिएगा ऑयल सीड्स एंड नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रूट्स एंड है वेजिटेबल्स तो चलिए अब हम जान लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर so, है ना इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील इन फ्रूट प्रोडक्शन अपने भारत देश ने फ्रूट प्रोडक्शन में मतलब फलों के उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति की है एंड उसने जो रैंक्स पाया है वह कौन, कौन सा रैंक है तो सेकेंड नंबर पर रैंक में आया है अपना भारत देश पूरे विश्व में आफ्टर द ब्राज़ील मतलब ब्राजील देश जो है वह सबसे पहले क्रमांक पे आता है फूड प्रोडक्शन में मतलब फलों के उत्पादन में अव्वल क्रमांक पे पहले नंबर पे कौन है ब्राजील देश है बच्चों एंड उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री है तो वह है अपना इंडिया जो फ्रूट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है फलों का उत्पादन कर सकता है पूरे विश्व में याद रखना ये चीज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर जहां पर फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं वेजिटेबल्स का भी उत्पादन किया जाता है उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मैंगो क्या है फलों का राजा क्या नाम है फलों के राजा का मैंगो मैंगो यह है जो फ्रूट है फलों का राजा है एंड इज अ डेलीकेसी ऑफ इंडिया एंड वह अपने भारत देश का शाही फल है शानदार शाहीदार माना जाता है इट इज वाइडली ग्रोन वह बहुत मात्रा में ग्रोन भी हो जाता है एप्पल्स आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश तो एप्पल नाम के फ्रूट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं तो हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में जैसे कि हमने अपने इस क्लास में फस्ट चैप्टर में सीखा है कि हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के बारे में जब हम जानकारी ले रहे तो तो समय हमने यह फ्रूट्स एप्पल्स जम्मू कश्मीर में ग्रो होते हैं यह जानकारी ली है इसी तो का फायदा यहाँ पर होने वाला है कि फ्रूट्स उन दो ही स्टेट में ज्यादा से ज्यादा एप्पल नाम के फ्रूट्स ग्रो किया जाता है कौन से स्टेट है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश है ना तो इस तो लेफ्ट साइड फ्रूट्स एंड द राइट साइड वेजिटेबल्स इस प्रकार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन उत्पादन अपने भारत देश में किया जाता है जैसे कि आप सभी ज, देखते होंगे कि इस चैप्टर में ये सभी प्रकार का हॉर्टिकल्चर नाम का पिक्चर आप बुक में देख सकते हैं ठीक है सी सच वे वी हैव कंप्लीटेड हियर आवर हाफ रिमेनिंग चैप्टर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया जैसे कि हमने आज यहाँ पर भारतीय कृषि चैप्टर को समझ लिया है पढ़ लिया है एंड फिनिश भी किया है तो भारतीय कृषि में हमने अब तक सभी देख लिया ग्रीन रेवोल्यूशन किस प्रकार से हुई क्रॉप्स देखे सीजन देखे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे उसमें सीरियल थे पल्सेस पढ़े हमने एंड उसके बाद आज हमने देख लिया तो उसमें कैश क्रॉप्स कैश क्रॉप में कौन कौन से आते हैं वह है शुगर केन कॉटन एंड जूट उसके बाद स्पाइसेस ये भी कैश क्रॉप्स है कॉफी एंड कोका ये भी कैश क्रॉप्स है ऑयल सीड्स भी कैश क्रॉप ही है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कैश क्रॉप ही है इन सभी चीजों के बारे में आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है स्टडी कर लिया है एंड देख भी लिया है इनके इमेजेस के द्वारा ठीक है तो यहाँ पे आपको एक क्लासिफिकेशन uh, भी दिया है कि स्टेट्स एक तरफ दिया है एंड क्रॉप्स ग्रोन भी यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दिए है uh, कृपया करके आप उसे पढ़िएगा प्लीज पढ़ लीजिएगा तो कौन से लेफ्ट साइड में स्टेट्स है राइट right साइड में क्रॉप्स ग्रोन है मतलब किस स्टेट में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इनकी जानकारी या इंफॉर्मेशन यहाँ पर है तो कृपया करके आप घर में इसे पढ़ सकते हैं ठीक है सो थिंग्स आई वी हैव इन दिस चैप्टर दैट आर द सिक्सटी परसेंट ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर मतलब हमने सबसे पहले ये सीख लिया है कि अपने भारत देश में एग्रीकल्चर नामक खेती में खेती नामक ऑक्यूपेशन मेंिक्सटी परसेंट लोग वर्क करते हैं काम करते हैं ग्रीन रेवल्यूशन वॉज ब्रॉट थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल तो ग्रीन रेवल्यूशन कैसे हुई या किसके द्वारा हो चुकी थी किसके माध्यम से तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की वजह से अपने खेती में भारत देश में ग्रीन रेवल्यूशन हो चुकी है खेती की हरित क्रांति हुई वी ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम किस प्रकार के क्रॉप्स निकालते हैं दो प्रकार के कौन कौन से एक रबी एंड दूसरा खरीफ क्रॉप मतलब अपने भारत देश में मानसून सीजन में खरीफ क्रॉप लिया जाता है एंड विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स निकाले जाते हैं राइस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया सबसे अधिक एंड सबसे इंपोर्टेंट क्रॉप कौन सा है तो वह है राइस भारत का वीट इज द स्टेपल फूड और ऑफ नॉर्थ इंडिया वीट क्या है स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत का यह सबसे लोकप्रिय फूड है वह है वीट स्टेपल फूड है मिलेट्स आर ग्रोन इन सॉइल ऑफ पोअर क्वालिटी मिलेट नाम का यह जो क्रॉप है वहां कहाँ पे ग्रोन किया जाता है पोअर क्वालिटी में भी उसको ग्रोन किया जाता है पोअर क्वालिटी के सॉइल में भी हाँ तो पल्सेस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ इंडियंस आल्सो ये जो पल्सेस क्या है मतलब दाल जिसे हम कहते दालों को बहुत ही महत्वपूर्ण तो हिस्सा माना गया है भारतीय आहार में पल शुगर इसी के साथ साथ अपने भारत देश में शुगर केन कॉटन जूट आदि जैसे कैश क्रॉप भी मतलब नगद फसलें भी निकाली जाती है इंडिया हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन एंड लास्टली अपने भारत देश में फ्रूट के प्रोडक्शन में भी फलों के उत्पादन में भी अधिक मात्रा में प्रगति की है पाई है प्रोग्रेस कर लिया है इस प्रकार से बच्चों तो आज हमने यहाँ पर यह एग्रीकल्चर इन इंडिया यह जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश कर दिया है आई होप यू अंडरस्टैंड वेल इट एंड टिल वी विल टेक द ब्रेक एंड नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू